कोरोना का कहर एक बार फिर से टीवी शोज पर कहर बनकर टूटा है। महाराष्ट्र में 1 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगर हालात काबू में नहीं रहे तो फिर लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यहां तक कि धारा 144 भी लागू कर दी गई है, जिसकी वजह से सभी टीवी शोज और मूवीज की शूटिंग रोक दी गई है। तो चलिए जानते हैं किस किस शो को लेकर क्या क्या खबरें सामने आई है। सबसे पहली खबर एकता के शोज को लेकर आई है। एकता के लगभग सभी शोज को गोवा में शिफ्ट कर दिया गया है। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य स्टार्स का सीरियल ये है चाहते, कलर्स का सीरियल मोलक की और दंगल के सीरियल प्रेम बंधन सभी को गोवा में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इनकी शूटिंग गोवा में की जाएगी। कलर्स के सीरियल बावरा दिल की शूटिंग को कंटिन्यू रखा गया है। कलर्स के सीरियल बैरिस्टर बाबू और शक्ति अस्तित्व के एहसास की सीरियल्स की शूटिंग को रोक दिया गया है, क्योंकि इनके पास एपिसोड्स का बैंक अवेलेबल है। जहां तक खबरें सामने निकल कर आई है तो स्टार्स के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा स्टार भारत के सीरियल प्रतिज्ञा 2 की शूटिंग को ऑन होल्ड पर रखा गया है। जब तक अगली गाइडलाइंस नहीं आ जाती इनकी शूटिंग को ऑन होल्ड पर ही रखा जाएगा। स्टार भारत के सीरियल राधा कृष्ण की शूटिंग उमरेगांव में कंटिन्यू चल रही है। कलर्स के सीरियल छोटी सरदारनी और स्टार प्लस के सीरियल मेहंदी है रचने वाली इमली गुम है किसी के प्यार में सीरियल्स को हैदराबाद में शिफ्ट किया गया है। अब इन शोज की शूटिंग हैदराबाद में की जाएगी। खबरें निकलकर सामने आई है कि इश्क में मरजावा सीजन 2 की शूटिंग भी गोवा या बेंगलोर में की जाएगी। कलर्स के नए सीरियल ससुराल सिमर का 2 की शूटिंग आगरा में कंटिन्यू है। इस शो की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सब टीवी का शो वागले की दुनिया बंद होने वाला पहला शो बना है, जिसके कि पुराने एपिसोड सीरी टेलीकास्ट किए जाएंगे। इसके अलावा सोनी टीवी और सब टीवी के भी लगभग सभी शोज को ऑन होल्ड पर रखा गया है, यानी अगले निर्देश तक इनकी शूटिंग भी चालू नहीं की जाएगी। जिन शोज की शूटिंग महाराष्ट्र में चल रही थी उन्हीं शोज पर इफेक्ट पड़ा है। सोनी टीवी के सीरियल क्यों थे दिल छोड़ा की शूटिंग दिल्ली में चल रही थी तो वह कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा और शोज को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। अगर लॉकडाउन ज्यादा बढ़ता है तो शोज को बंद किया जा सकता है और लास्ट ईयर की तरह पुराने शोज को ही रीटेलीकास्ट किया जा सकता है। स्टार भारत पर ओल्ड सीरियल रामायण को ऑन एयर किया जाएगा। इस शो ने टीआरपी में लास्ट ईयर काफी कमाल किया था। यह अब स्टार भारत पर 7 बजे से देखने को मिलेगा। आशा करते हैं कि लास्ट ईयर की तरह शोज बंद ना हो, ताकि सभी अपने फेवरेट शोज देख सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।